ਓ ਜਿੰਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੀ ਤੱਕਿਆ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਓ ਜਿੰਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੀ ਵੇਖਿਆ ਜੱਗਿਆ ਨਹੀਂ वेलकम बैक नाजरीन, हम आ गए हैं दोबारा से ब्रेक से, वापस तो आए और भी लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मलाइका। आपका नाम? ये आपकी बहन है? बहन है, ओके। आप क्या करते हो? मैं स्टडी करती हूँ 7th क्लास में। आज कैसे आना हुआ? वैसे ही रबी वर्क थी इसलिए मामा का कुछ शॉपिंग कर लें तो बस। अच्छा, ओके जी। क्या करती हैं सारा दिन आप? मैं स्टडी साथ में पढ़ती रहती हो? नहीं, मामा के साथ काम भी करवाती हूँ। क्या क्या करवाती हो? खाने में कुकिंग भी करवा देती हूँ थोड़ी सी, और घर का भी थोड़ा सा काम बस। ओके, खुद कुछ बनाना आता है? मुझे हाँ, चाय और पराठा आता है। पराठा आता है जी। अच्छा, वो तवे पे जब रोटी डालती हो तो टाइम से हाथ उठा लेती हो? हाँ। हाथ चिपकता तो नहीं? नहीं। ओके, कितना अच्छा लगा था रोटी सीखने में? मुझे बहुत ये 1 ईयर लग गया होगा, और मम्मा से डांट खा खा के सीखी है। अच्छा, मामा ने खुद सिखाई है? जी। क्यों? यानी मुझे शौक था ना, तो मैं मामा के पास रोजाना खड़ी हो जाती थी, तो मम्मा को कहती थी मुझे सीखना है, तो मम्मा भी सिखाती थी फिर। चलो गुड हो गया। ओके, क्वेश्चन करती हूँ। मुझे बताओ, खवातीन अपनी पूरी ज़िंदगी का, क्वेश्चन गौर से सुनिएगा, खवातीन अपनी पूरी ज़िंदगी का कितना टाइम ये सोचने में गुजारती हैं कि आज उन्होंने क्या पहनना है? एवरेज लाइफ है 60 ईयर्स। अगर रोज़ के 20-25 मिनट अगर आप जमा करो तो साल का कितना बनता है, आपने इस तरह बताना है, क्योंकि आज तक किसी ने इसका सही जवाब नहीं दिया। 1 ईयर। श्योर? यस। फिर सोचो एकदम। नहीं, फिर कंफर्म कर दो। यस। क्लैपिंग करो। फाइनली हमें किसी ने जो है सही जवाब दे ही दिया है, बिल्कुल 1 ईयर ही जो है खवातीन अगर प्लस किया जाए तो 1 ईयर सोचती है। वेरी इंटेलिजेंट। क्या सुनाओगी? मैं सॉन्ग सुनाओ। आज हरम तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू जी। बहुत प्यारी फैमिली थी, दो बहनें थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मैडी। क्या करते हो मैडी? मैं डीजे हूँ और एग्जीक्यूशन करता हूँ मॉल की। वेरी नाइस। इस मॉल में क्या कर रहे हो? मैं एज अ डीजे हूँ और बाकी डेकोर वगैरह जो आप देख रहे हैं ये सारा कुछ। ये गाड़ी से भी आपका कोई ताल्लुक है? जी, बहुत गहरा ताल्लुक है। थोड़ा बताए ना फिर। ताल्लुक ये है कि ये बेसिकली हमने एक विंटर हंगामा के नाम से फेस्टिवल किया हुआ है, जिसमें लोग आएंगे, फैमिलीज आती हैं, वो शॉपिंग करेंगी 5000 की, उनको लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे। और इसके अलावा हर वीकेंड में हमारा जो लकी ड्रॉ में गिफ्टिंग निकलेगी वो भी हम उनको देंगे, और इसके साथ हम उनके साथ बहुत फ़न करते हैं, गेमिंग और पॉपिट शो, सर्कस की जितनी भी आइटम्स होती हैं वो भी उनके साथ करते हैं हर सैटरडे संडे और फ्राइडे को। तो बस यही हम इसके साथ फन करते करते एंजॉय करते हैं। चलो वेरी गुड। ओके, फिर आप फन करें, ठीक है? मैं आपको एक टास्क देती हूँ, आपने बोलना है। वैसे मैं लोगों को देता हूं, आप मुझसे बोल रही हैं। टंग ट्विस्टर है, ठीक है? नहीं, ये मुझे लिए कुछ और। कोशिश करो, फन की बात है, कोशिश तो करो। मैं कुछ और कर लेता हूँ, मैं आपको सॉन्ग सुना देता हूँ। ओके, फिर पहले सवाल होगा, मुझे बताओ वो क्या चीज़ है जो हमेशा बढ़ती है कभी कम नहीं होती? हमेशा बढ़ती कभी कम नहीं होती? बाल नहीं होते, गंजे नहीं होते लोग? वो तो काट के करते ना लोग, गिर भी जाते हैं जब वो बूढ़े होते हैं। हिंट दे मुझे। जब बच्चा पैदा होता है तब से ही वो हमारी लाइफ में आ जाती है। क्लैपिंग करो अपने लिए। क्या सुनाएंगे? दो सॉन्ग हैं, दोनों सुना दे। एक जरा रोमांटिक है और एक सैड। दोनों सुना दे सामने। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे।
मैं लुट गया मन के दिल का कहा मैं कहीं का ना रहा सुन ले ओ दिलरुबा जरा सा हंस के जो देखा तूने मैं तेरा बिस्मिल हो गया गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया थैंक यू वेरी नाइस द सेकंड वन अच्छा फिर सैड आपने सुना होगा वो क्या नाम अमानत शिफकत अमानत लिए बैठी जो सॉन्ग है तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं हो हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं ओ परेशान हूँ मैं जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे मुस्कुराऊं तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होंठों पे कर्ज रखा है तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं हाँ हैरान हूँ मैं Wow! Amazing! Very nice! Very nice! इसे कहते हैं ना परफॉर्मर लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए थैंक यू सो मच मैडी जी बड़ा मजा आया डीजे मैडी हमारे साथ थे और वो कहते हैं ना ही वॉज अ परफॉर्मर मैन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सॉन्ग सुनाए जैसे उन्होंने ला 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 वो बहुत अच्छा था इनका और आई थॉरली एंजॉयड किसी और से बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आपका नाम जुनेद जुनेद क्या करते हो मेरा बिजनेस है कार मॉडिफिकेशन का वेरी नाइस मॉल में कैसे आना हुआ मॉल में वैसे ही गुजर रहा था मैंने कहा चलो मॉल में जाते हैं लेकिन जब आपको सामने देखा मैं शॉक्ड हो गया I am big fan. मैं आपका हर शो देखता हूँ आपको इंस्टाग्राम पे हर चीज पे फॉलो किया हुआ है थैंक यू सो मच चलिए जी फिर आज हम आपसे सवाल करेंगे ठीक है रेडी हैं यस ओके मुझे बता दें वो क्या चीज है जिसके पर नहीं है मगर वो हर वक्त उड़ती रहती है जिसके पर नहीं है वो हर टाइम उड़ती रहती है बतख बतख अब हर वक्त उड़ती है नहीं वो जब उसका दिल करे वो पर मारे मैं कह रही हूँ हर टाइम उड़ती रहती है एवरी मिनट अच्छा एरोप्लेन हाँ एरोप्लेन लैंड नहीं करता लैंड करता है लेकिन वो उड़ता तो रहता ना मगर हर वक्त स्टे भी करता है फिर दोबारा उड़ता है ऑल द टाइम और मैंने अभी आपको जवाब भी बता दिया कहीं ना कहीं आप खुद सोचे वो क्या है चले आपने बता दिया तो फिर ठीक है आपने बताना है चलो क्या सुनाओगे सॉन्ग सुन ले तुझे मिलके लगा है ये तुझे ढूंढ रहा था मैं तुझे मिलके लगा है ये तुझे ढूंढ रहा था मैं तुझ में है कुछ ऐसी सुबह सा जिसकी खातिर मैं था जगा सा आ तू मेरे ख्वाब सजा जा रे माही आ जा रे माही आ जा रे तुझ में है कुछ ऐसी सुबह सा जिसकी खातिर मैं था जगा सा आ तू मेरे ख्वाब सजा जा रे दिल रुहे आई लाही तू आजा मेरे माही दिल रुहे आई लाही तू आजा मेरे माही तू आजा मेरे माही दिल रुहे आई लाही तू आजा मेरे माही और देख लें आपने जो सुनना है डायलॉग वगैरह सुनना है चले मुझे बताया टीम ने आपका और भी बड़ा कुछ है क्या क्या शेयर करना है आपने मैंने इमरान खान के बारे में कुछ शेयर करना है इमरान खान साहब से यही गुजारिश है कि जनाब साहब आप धांधली के बारे में कहते थे कि धांधली हमने की नहीं फलां टीम का ये वो कह रहे थे कि मैं मुल्क को एक नया पाकिस्तान बना के दूंगा लेकिन आपसे तो कायदे आजम का पाकिस्तान ही संभाला जा रहा आपने इतनी महंगाई कर दी है
اخراجات اتنے بڑھا دیے ہیں, ہم غریب عوام کو آپ کہہ رہے تھے ریلیف دیں گے, آپ نے غریب عوام لگتا مار کے ہی سانس لینا ہے, امیر ہی امیر رہیں گے پاکستان میں, ہم کہاں جائیں, ہم محنت کریں گے تو اوپر آئیں گے, لیکن آپ لوگ اتنی مہنگائی کریں گے تو ہم کیسے, پٹرول جہاں پہ 75 تھا نواز شریف کے دور میں اپنے 98 کر دیا, گاڑی چلانے کا دل نہیں کرتا, دل کرتا بائک پہ ہی جائی جائیں. یار کوئی خدا کا خوف کرو, یہ کپڑے اس کپڑے بوٹ شوٹ پہ نہ جانا, یہ اندر کا دیکھو ضمیر ہمارا کیا, ہم محنت کرتے ہیں سارا دن, جب کوئی کمائی نہیں ہونی سارا دن, میری بھی شاپ ہے, میں کام کرتا ہوں محنت کرتا ہوں, اگر سارا دن کام نہ ہو ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں یار کیا بنے گا ہمارا. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا موقع دیا تو آپ ہمارے لیے کچھ کریں تاکہ نیکسٹ بھی 5 ایئرز آپ کو موقع دیں, نہیں دیں گے تو پھر نواز شریف زندہ باد جناب, الحمدللہ ہم اس کے سپورٹر ہیں, لیکن آپ کو سپورٹ کریں گے اگر آپ ہمیں سپورٹ کریں گے, نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وارث ہے, 71 ایئرز ہو گئے ہیں اس ملک کو, جی رہے ہیں نا, تھوڑا سا اور جی لیں گے, قبر میں چلے جائیں گے 2 گز کپڑا لے کے, اگر وہ بھی لینے دیں, اتنی مہنگائی نہ کرنا یار, اللہ کا واسطہ ہے آپ کو, ٹھیک ہے. Amazing. I think یہ one of the best messages جو حکومت کو دیا گیا ہے. لازمی دیجیے گا, میں تو کہہ رہا ہوں اس کو جائے, وہ میری دکان پر آئے, آپ آئی تینو کی پرابلم ہے, 10 سالوں میں تو کہہ رہا ہوں. یہ لو جی لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گیٹ, تھینک یو, تھینک یو, ویلکم. ابھی لیتی ہوں جی, بڑا مزہ آیا, مائی گاڈ اتنی ہنسی آئی مجھے, او فلا, واقعی میں یہ میسج تو اگر حکومت نے سنا تو ان کے کانوں میں سے دھواں نکل آئے گا, مگر میں اس میں کہوں گی ایک گرے ایریا ہے, تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے, اٹس ٹو ارلی ٹو ڈیسائیڈ مین, ٹو ارلی, تھوڑا سا ٹائم دیں, ان شاء اللہ وقت کے ساتھ چیزیں صحیح ہو جائیں گی, نہ ہوئی تو نواز زندہ. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, جانا پڑے گا ہم کو, لینی پڑے گی چھٹی, مگر انشاءاللہ ہوگی دوبارہ ملاقات ایک نئے مال میں, بہت سارے نئے سوالوں کے ساتھ, بہت ساری مستی کے ساتھ, تو آپ نے جو ہے وہ انتظار کرنا ہے نیو ایپیسوڈ کا. چلے جی, اب بتا دوں آپ کو جو سوالوں کے جواب جو آپ لوگوں نے مجھے نہیں دیے. اوکے, 10 عورتیں ہیں, ایک امبریلا ہے, سب کو فٹ کیا جا رہا ہے, مگر کسی کے اوپر بارش نہیں گر رہی, کیوں؟ کیونکہ بارش ہو ہی نہیں رہی. نائس نا, ان میں سے ایک آدمی یہ جواب دیا تھا. اوکے, دوسرا سوال, اس کا کسی نے بھی جواب نہیں دیا, وہ کیا چیز ہے جس کے پر نہیں ہیں مگر وہ ہر وقت اڑتی رہتی ہے, ہر وقت اڑ جاتی ہے, وہ ہے ٹائم, کیونکہ ٹائم آپ کا ویٹ نہیں کرتا, وہ اڑ جاتا ہے, وہ چلا جاتا ہے, آپ کو ٹائم سے آگے چلنا پڑے گا. اوکے, تو آپ نے اپنا فیوریٹ پروگرام بھوجو تو جیتو تھرسڈے ٹو سنڈے شام کو 7 بجے دیکھنا ہے. اپنی ہوسٹ علینا ہارون کو اجازت دیں, اللہ حافظ.